राज्य उत्तर प्रदेश के जनपद अम्बेडकर नगर के ब्लॉक अकबरपुर के ग्राम खुलासपुर गांव में राजदेवी जी हैं, जिनके साथ 60 पर घर के लोग हैं, जिनको 3 महीने से राशन नहीं मिल रहा है। और पहली बात चीनी ना मिली, बिया शादी के है, और शादी के बाद में और का बोला था, जब कहे लागे तो कहे कि चार बिया है कलामा के हुक ना दे, हमारे पैसे लौटा दिए, 1200 रुपया दे रहे है, कहे का हो जाए बिले खरीद जाए, 3 दिन बिया रहा तब जाए फिर दे पैसे हमारे। आपका राशन मिला था कि नहीं? हमको राशन नहीं मिलता, हम तो चाहत रहे मिले तो हो तो ठीक रहा है कि हमारे मुसीबत कट जाए। आपके सूची में नाव बा? हमारे सूची में नाव बा। आपके पति कहाँ हैं? खुलासपुर गांव में कितना जने हैं जेका राशन एकदम ना मिले? हमारे गांव में आधा गांव ना पाओ तो राशन हमारे उखाड़े कोई उखाड़ ले जाए हम दे अपना, यह गल्ला जो हमारे खिलाफ बोले ये बेच के हम अधिकारी दे के लड़े। राशन मिलने की प्रक्रिया क्या होती है? राशन मिलने की प्रक्रिया यह होती है कि एक ग्राम पंचायत के पूरी बैठक में जो गरीब होते हैं उनका नाम चुना जाता है, उनकी एक सूची बनती है, सूची ब्लॉक में जमा होती है, वही सूची कोटेदार को मिलती है, उस सूची में जिसका नाम होता है उसको जो है अनाज मिलता है। आप क्या चाहते हैं इसमें? हम चाहते हैं सबको राशन मिले, गांव में कोटेदार हैं, राशन लाते हैं, राशन वितरित करते हैं, तो कोटेदार या तो राशन बेच दिए होंगे इसलिए नहीं मिल रहा होगा। तो काय आपकी जानकारी में नहीं है? हमें अभी इसकी जानकारी नहीं मिली। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? अगर हमको पता चलेगा तो हम कोटेदार से पूछेंगे और उनकी जांच करेंगे। मैं चाहती हूं कि राजदेही के साथ जो 60 घर के लोग और हैं उन्हें राशन मिले ताकि उनकी आर्थिक जिंदगी में सुधार आए, और मैं अपील करती हूं कि कोटेदार के मोबाइल नंबर पे 99 18 36 37 30 पर कॉल करके मेरी मदद करें। मैं गायत्री, राज्य उत्तर प्रदेश, इंडिया, अनहट के लिए।